प्रिय किसान भाइयों, आप लोग देखेंगे कि आपके द्वारा बोए गए शरदकालीन गन्ने में जो इसमें कुछ बड़ा हो गया है उसमें टॉप बॉर्डर की तितली सफेद रंग की चांदी की तरह दिखाई देगी। आप देख लीजिए, इस तरह की तितली है जो सफेद रंग की है। इस तितली से अंडे निकलेंगे जो इस तरह के अंडे हैं। अंडे जो इस तरह के हैं वो मैं दिखा रहा हूं, और अंडे के बाद लार्वा निकलेंगे, और ये जो लार्वा है जिसे सुंडी कहते हैं ये आपके गन्ने के फसल को नुकसान पहुंचाएगी। इसके लिए नियंत्रण का ये उपाय है कि आप सुबह और शाम के टाइम खेत में जाएं और जहां भी इस सफेद रंग की तितली टाबोरा की दिखाई दे उसे हाथ से पकड़ करके मार दें। दूसरा उपाय यह है कि घर के बाहर आप बिजली का बल्ब रात में जला दें और उसके नीचे ड्रम में पानी भर कर रख दें। बिजली के बल्ब पर ये जो टॉप बॉर्डर का तितली है वो आकर्षित होकर के रोशनी को देख करके आकर्षित होगी, वहां आएगी और वो पानी में गिर करके मर जाएगी। तीसरा उपाय है कि अगर ये मच्छर मारने वाला जो ये रैकेट है, ये देखिए रैकेट है मच्छर मारने वाला, इससे आप खेत में घुसिए और जहां जहां आपको तितली बैठे दिखाई दे उससे मार देंगे तो आपका इससे भी ये तितली जो है नष्ट हो जाएगी। इस तरह आप ये तितली को तीन तरह से मार सकते हैं। अब अंडे को मारने के लिए क्या करें, इसके लिए आप फिर खेत में घुस करके अब पत्ती के निचले सतह पर अंडे जो सफेद भूरे रंग के झिल्ली से ढका हुआ है वो आपको दिखाई देगा, और पत्ती सहित अंडे को तोड़ लें। जिस पर अंडा दी हुई है पत्ती पर उसे पत्ती सहित तोड़ लें और उसके बाद उसको मसल करके हाथ से या पैर से दबा करके अंडे सहित पत्ती को भी नष्ट कर दें। इस तरह आप टाबोरे के तितली को और अंडे को मार देंगे तो आने वाले पीढ़ी जो है वो बहुत आगे बढ़ेगी नहीं आने वाली पीढ़ियों में, और आपका जो गन्ना है